हे गाइस, यहाँ पे है आज मेरे पास पोको C31 फोन। इस फोन का दोस्तों आज अनबॉक्सिंग करेंगे, कंप्लीट डिटेल रिव्यू देंगे ये फोन कैसा है। और ये फोन दोस्तों मैं फ्लिपकार्ट का फर्स्ट सेल में बाय किया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉक्स पैकेजिंग कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं कि किस प्रकार से फर्स्ट सेल यूनिट मिलता है। तो वीडियो पे बने रहे, वीडियो अगर चलेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉक्स पैकेजिंग हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है फर्स्ट सेल यूनिट का। ओके, तो यहाँ पे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, तो ये है मेरा बिल इनवॉइस जो रहता है, इसे साइड करते हैं। तो फोन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से ये पैकेजिंग में आता है, पोको C31। ओके, और ये देखिए पोको C31 कुछ इस प्रकार से बॉक्स पैकेजिंग है चुका है। तो ये लीड हटाता है, तो यहाँ पे इसे रखता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले रखा हुआ है फोन, जो कि है हमारा पोको C31। ये देखिए ब्लू कलर में है। ओके, रॉयल ब्लू कलर। फोन को अभी के लिए ऑन कर देते हैं। जी, ऑन हो चुका है। इसे रखते हैं साइड और बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेक्शन मिलता है, जिसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड या यूजर गाइड बोल सकते हैं आप। ओके, और यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन दिया गया। ओके, इस फोन के साथ कोई भी कवर्ड नहीं आता, केस नहीं आता है। तो यहाँ पे चार्जर की बात करें तो 5V 2A का चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे केबल की बात करें तो माइक्रो USB केबल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, फोन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट में स्टिकर लगा हुआ है और बैक साइड में भी स्टिकर लगा हुआ है। दोनों को हटा लेते हैं। ओके, तो इस स्टिकर को हटाते हैं। फ़ोन की बैक साइड की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये पोको C31 का डिज़ाइन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा के साथ एक LED फ्लैश दिया गया है। और यहाँ पे 3 कैमरा, LED फ्लैश। नीचे में दोस्तों यहाँ पे पोको का मस्त से एक ब्रांडिंग दिया गया है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। ऊपर में दोस्तों ये जो पोर्शन है ये दोस्तों आपको यहाँ पे ग्लॉसी देखने को मिल जाता है, और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है। इस तरीके से करने से दोस्तों वो जो आवाज़ होता है वो आवाज़ नहीं हो रहा है, बस दोस्तों पैटर्न बनाया गया है यहाँ पे और मैट फिनिश कर दिया गया। ओके, इस तरीके से दोस्तों आवाज़ नहीं होता है। ओके, और फ्रंट फेस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप नॉच के साथ यहाँ पे एक सेल्फी कैमरा आ जाता है 5 MP का, 6.53 इंच का यहाँ पे HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसपे दोस्तों आप वीडियो वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ऊपर दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक एयर स्पीकर देखने को मिल जाता है। ओके, और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे सेंसर वगैरह भी दिया गया है। बाकी दोस्तों इस फ़ोन की टच एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेंड्स काफ़ी मस्त टच है। आप अगर गेम वगैरह के लिए ये फ़ोन लेना चाहते हैं तो टच में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। पीछे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों रियर कैमरा है 13 MP, 2 MP मैक्रो के लिए और 2 MP डेप्थ के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं LED फ्लैश है, पोको का ब्रांडिंग, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और पैटर्न दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, इसका और एक कलर आता है, ये है मेरे पास रॉयल ब्लू कलर, और इसका जो एक और कलर आता है वो ग्रे कलर में आपको मिल जाएगा। नीचे की बात करें तो फ्रेंड्स बटन एंड पोर्ट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी माइक है, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है चार्ज करने के लिए, Type-C नहीं आता है, माइक्रो USB है। ओके, स्पीकर ग्रिल दिया गया है। फ़ोन के राइट हैंड साइड में यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है और वॉल्यूम अप एंड डाउन स्विच मिल जाता है। ऊपर की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक हेडफोन जैक दिया गया है, 3.5 mm का पोर्ट दिया गया है। लेफ्ट साइड में दोस्तों यहाँ पे नेट एंड क्लीन है, यहाँ पे सिर्फ एक सिम ट्रे दिया गया है। निकाल के देख लेते हैं कौन सा सिम ट्रे दिया गया है इस फ़ोन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिपल सिम स्लॉट दिया गया है, जिसमें आप 2 नैनो सिम के साथ एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फ़ोन की कैमरा इंटरफेस की बात करें तो बाकी दोस्तों पोको फ़ोन कई तरह है, नॉर्मल जो रेडमी का फ़ोन आते हैं उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको सारा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं प्रो मोड दिया गया है, वीडियो मोड दिया गया है। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट रियर दोनों ही कैमरा से। ओके, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। मोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो और एडिट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है, और नाइट मोड भी दिया गया है इसके अंदर। और फोटो क्वालिटी की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स लिया हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये काफ़ी मस्त पिक्चर आया है। 13 MP लगता नहीं है कि 13 MP का कैमरा से ये पिक्चर क्लिक किया हुआ है, काफ़ी शार्प है और काफ़ी डिटेल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
ये देखिए नॉर्मल फ़ोटो है ओके। और जूम करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डस्ट वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे फोटो क्वालिटी है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे फ़ोन के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI 12.0.1 है ओके। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है ओके। और यहाँ पे सितंबर महीना का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। फ़ोन में दोस्तों हीलियो G35 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि दोस्तों आप गेम वगैरह खेलिएगा तो काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स इस फ़ोन में बैटरी कितना है, तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो सारा चीज़ ठीक था। इस फ़ोन में रियलमी C31 में आपको फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों ही ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे फटाक से सेटअप कर लेते हैं और सेटअप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस दिखाते हैं किस तरीके से दोस्तों इस फ़ोन में फेस लॉक मिलता है और फिंगरप्रिंट। तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलमोस्ट डन हो चुका है ओके। और यहाँ पे अभी टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फिंगरप्रिंट चेक करेंगे। तो ये देखिए ये मैं टच किया ओके, टच किया तो काफ़ी फास्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टच रिमूव। तो यहाँ पे सही में दोस्तों काफ़ी फास्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है पोको C31 में। और फेस लॉक की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे फेस लॉक चेक करते हैं ओके ओके। तो यहाँ पे दोस्तों फेस लॉक भी फास्ट है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप अप करना पड़ता है। इसका जो टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाएंगे उसमें काफ़ी डिटेल्स दे देंगे। ये जो फेस लॉक ओपन हो रहा है ओके, ओपन होने के बाद भी ये पेज पे ओपन हो रहा है इस तरीके से स्वाइप करने के बाद तब जाके ओपन होता है, ये सारा चीज़ रिमूव कैसे करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो बाकी दोस्तों ये पोको C31 कुछ इस प्रकार से है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको भी अगर पोको C31 बाय करना है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं।